उत्तर प्रदेश के सीतापुर में मामूली सी बात को लेकर जमकर क्रूरता हुई, या यूं कह ले कि क्रूरता की सारी हदें ही पार कर दी गईं। यहाँ कूड़ा डालने को लेकर पहले कासुनी हुई, फिर ईंट पत्थर तक चले। इतना ही नहीं, दबंगई इतनी जबरदस्त थी कि शख्स के चेहरे को ईंट से कूच दिया गया। जब इससे भी मन नहीं भरा तो पैरों के नाखून तक ईंटों से कई बार किए गए, जिससे पैर के नाखून तक उखड़ गए। पुलिस ने घायल शख्स की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया है। 4 दबंगों को नामजद किया गया है। 2 दबंगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। अभी 2 फरार है। फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। जख्मी शख्स का इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। ये पूरा सनसनीखेज मामला थाना पिसावा का है। उसके दुकान के ऊपर मुड़ा डाल दिया गया, तो उसने हाथों से हटा दिया, मकान के पास से देखते रहे, लाठी डंडे लेके गाली देते हुए चले आए। इसने बोला गाली क्यों दे रहे हो, इसे मारने लगे। अच्छा, कौन लोग मारने लगे? वो साजिद और उनका लड़के साजिद रेहान नाजिद। काहे के लिए मारने लगे थे ये लोग? कूड़ा हटा दिया थोड़ा सा, इसीलिए मारने लगे आके। किसने हटा दिया था? नसीम ने। अच्छा, बहुत इसकी हालत खराब है, खून इसका बंद हो रहा है। काहे से मारा है? लाठियों से मारा है, ईंट भी मारी है फेंककर मुंह पे। पिसावा से गोलू सिंह, सीतापुर से सलमान अब्बासी, ब्यूरो रिपोर्ट स्टार न्यूज़।